ऑलराइट गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो हम आज फिर निकल चुके हैं मॉर्निंग में। तो मैं आज जरा काम था तो निकले थे, तो अभी मैं जरा लेने जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ मैं लेने? रिश्तेदारों को लेने जा रहा हूँ। तो सिटी के अंदर से जाना है। तो हम अभी मैं जस्ट निकला ही हूँ घर से। अरे भाई साहब, ये स्पीड ब्रेकर यार, स्पीड ब्रेकर का एक चीज़ होती है कि अगर आप सीधे फास्ट निकाल लो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, पता नहीं आप, मतलब आपने भी तो देखी होगी, जिसके अंदर ना वो क्या कहते हैं टफ आप समझते हो, टफ एंड क्या बोलते उसे यार, वो जो साइन वेव होती है क्रस्ट, मतलब एक ऊपर नीचे जो रहता है ऐसे करके। तो अगर तो आप उसमें से एकदम स्पीड से निकाल लेते हो तो, मतलब फोर्थ ही शायद है ना, हाँ फोर्थ ही फॉर्चुनर थी, मतलब दो गाड़ियां थी। जो पहली वाली गाड़ी थी उसने, वो जो बंदा था वो स्लोली निकाल रहा था, तो उसके स्लोली निकालने के चक्कर में उस गाड़ी का बच गया बैंड, ठीक है। और जो दूसरे वाला था वो चला रहा, वो उसने निकाली फास्ट। तो वो जो टफ होता है, मतलब टफ होता है क्रस्ट क्या बोलते हैं उसे यार, वो नीचे जो होता है, वो जो नीचे वाले पोर्शन था ना, वहाँ पे उसका वो नहीं लगा, टायर नहीं लगा, वो सीधे इतनी स्पीड से आया, वो सिर्फ टफ पे, मतलब ऊपर ही टच करते क्रॉस कर गया। 4x4 व्हील थी और SUVs थी, तो बस नहीं वो तो निकली जानी दो। जो पहले वाले SUV थी उसके तो बम्पर टच हो गए समझ रहे हो, उसके तो बम्पर टच हो गए। तो यहाँ से भी हम लेंगे राइट। आज अभी मॉर्निंग का समय है तो काफ़ी ट्रैफिक आने वाला है, ये हमको मालूम है, देख रहे हो इतना ट्रैफिक है कि क्या ही बताएं आपको। ओ भाई साहब, मैं क्या ही बोलना यार इस बंदे का, बहुत बढ़िया, मतलब कहां पर लाकर खड़ा कर रहा है अपनी सफारी। पर अब हम भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की गाड़ी थी, एग्जीक्यूटिव की समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव की, अपने आप को ज्यादा क्या कहते हैं वो समझ रहा है, हम बड़े बदे हैं, हमसे पंगा नहीं लेने का। कभी आइए हमारे अखाड़े में, फिर हम क्या ही कर सकते हैं, फिर हम मिलके काम करेंगे तो यहाँ से अभी जल्दी जल्दी निकलना है ब्रो, जल्दी जल्दी हमको जाने का। अरे अंकल, तो मुझे ना थोड़े गिफ्ट से आए थे, मतलब ऐसे ही, मतलब मुझे पता है कुछ मजाक के टाइप गिफ्ट आए हैं, ठीक है ना। तो वो जो गिफ्ट है ना, उन गिफ्ट को मैं अनबॉक्स करूँगा जल्दी, बहुत ही जल्द, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर ना कुछ, मतलब मजाक के टाइप ही भेजा गया मेरे को अपने यो जी जो यार दोस्त, उनका काम ही ये है। तो अभी ज़रा हम सबसे पहले इस वाले काम से फ्री हो जाएं, उसके बाद में हम जो हैं इसको करेंगे अनबॉक्सिंग प्रॉपर। और जल्दी हमको करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैं ना एक अंकल के साथ बैठा हुआ था, मतलब मेरे मम्मा के बहुत दूर के रिश्तेदार हैं कोई, तो वो आए थे, ठीक है अंकल। तो उनका दिल्ली में ना बिजनेस है, तो बिजनेस में आना वो बेसिकली, तो मेरे से पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला कि आप बिजनेस में आनो ना मेरे को पता क्या बोलते, मेरे को बोलते बेटा जो निकम्मे होते हैं ना जिंदगी में, बहुत निकम्मे होते हैं, वही बिजनेस मैन बनते हैं मेरे को ऐसे लगा कि मैंने तो गलती कर दी मेरे को तो निकम्मा होना चाहिए था ये भी बिजनेस मैन का ही होगा अरे यार दिल्ली में उनकी कम से कम मतलब 12 करोड़ की फैक्ट्री है, 12 करोड़ की दिल्ली में, जो पापा ने बताया था मुझे, क्योंकि पापा ने वो करा हुआ है ना, वो लेकर गए थे पापा को अपनी फैक्ट्री का टूर करवाने के लिए। तो 12 करोड़ की फैक्ट्री है दिल्ली में इसलिए मेरे को हंसी आई, जो निकम्मे होते हैं वही बिजनेसमैन बनते हैं तो अभी हमको यहाँ से साइड जाना है, पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस, वैसे आप मेरी बातों को सीरियस मत लेना, ये वैसे हंसाने के लिए हैं, पर उन्होंने सच में ऐसे बोला, बाकी भाई मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि
जो तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं, क्या वो ये जो बिल गेट्स है, मार्क जैकरबर्ग है, और भी काफी, ये निकम्मे नहीं है, ठीक है ना, तभी काफी बड़े बिजनेसमैन है। तो बेस मतलब कहने वाली बात है, एकेडमिक्स एंड ऑल दैट स्टफ, बाकी आप इसको सीरियसली मत लेना। हर एक इंसान की जिंदगी डिफरेंट होती है, तो बस अभी हमें यहाँ से सीधे और अंदर जाना, और अंदर जाना है हमको यहाँ से। किसका फोन आ गया है हमको, तो घर से ही फोन आ गया हमको, तो कोई बात नहीं, अभी हम पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। कितने के मिनट की हुई होगी रिकॉर्ड पता नहीं, तो ठीक है गाइस, तो यहां से भी हमको ले लेनी है अंदर इस साइड को। तो ऑल राइट गाइस, मिलते हैं अब हम आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल।